हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू ऑन लोकेशन वीडियो। ये एक हॉरर फिल्म का शूट चल रहा है, नाइट सीक्वेंस है। आपको आज बहुत कुछ सीखने को मिलेगा और बहुत ही एंटरटेनिंग वीडियो है आज का। जॉइन फिल्म्स में और भी बहुत सारे वीडियो अवेलेबल हैं जिनसे कि आपको प्रॉपर प्रोफेशनल गाइडेंस मिलेगी। भले ही आप एक्टर बनना चाहते हो, राइटर बनना चाहते हो, फिल्म मेकर बनना चाहते हो, सिंगर बनना चाहते हो, आपको हर तरह के इस पर वीडियो मिलेंगे। भले वो फेक ऑडिशंस पे हो कि ऑडिशन कैसे देने चाहिए, इस पर भी डिटेल वीडियो अवेलेबल है। तो अगर आप चैनल पर पहली बार जुड़े हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कीजिएगा। अब देखिए, यहाँ पर बताया जा रहा है ये एक्टर नहीं है, ये फ्रेमिंग की जा रही है, ब्लॉकिंग की जा रही है। ये कैमरा डिपार्टमेंट देखिए प्रैक्टिस कर रहा था, अब मेन एक्टर खड़े हो गए वहाँ पे। ये बड़ा ही इंटरेस्टिंग है आपके देखने। तो जैसा उन्होंने पोजीशन दी थी, देखिए अब कैमरामैन पीछे दौड़े। तो इस तरह से शूट किया जाता है, जहाँ पर कैमरामैन फॉलो कर रहा है उन दो आर्टिस्ट को। और नाइट में शूट करना बहुत ही डिफ़िकल्ट होता है, बहुत ही टिपिकल होता है। लेकिन फिल्म इंडस्ट्री के सभी क्रिएटिव्स को, सभी टेक्नीशियंस को मानना पड़ेगा कि रियली ये पैशनेट होते हैं काम के लिए, वर्क के लिए। आप देखिए, हर डिपार्टमेंट अपना अपना काम कर रहा है, कितनी मुस्तैदी के साथ सारे लोग अपना अपना काम कर रहे हैं। सबको अपने अपने काम की फिक्र है। आर्टिस्ट अपनी तरफ ध्यान दे रहे हैं, मेकअप मैन अपनी तरफ ध्यान दे रहे हैं, कैमरा मैन अपनी पोजीशन देख रहे हैं। ये उसी का एक्सटेंशन शॉट है। बहुत ही रिस्की, इतना महंगा कैमरा लेके हाथों में, मतलब इसको बोलते हैं हैंड हेल्ड शॉट, मतलब हाथों के थ्रू शॉट लेना, इतना अच्छा शॉट लेना कि उसको ज़्यादा जक ना आए। अब देखिए, ये एक मैट्रेस लगाया जा रहा है और इसके ऊपर पत्ते बिखेर दिए जाएंगे, मिट्टी डाल दी जाएगी ताकि ऐसा लगे कि ये ज़मीन ही है, क्योंकि आर्टिस्ट को यहाँ पर रुकना होगा, गिरना होगा तो वो उसको चोट ना आए। इन सब चीज़ों का बड़ा ही ध्यान रखा जाता है, बहुत ही केयरफुली मार्किंग कर ली गई है। रात में जब भी शूट करते हैं तो ये पूरा लाइट अप करने में बहुत टाइम भी लगता है। ये देखिए, इन्होंने बताया कैसे करना है, कैसे गिरना है, कहाँ गिरना है, सेफ्टी के साथ ये सब सिखाया और बताया जाता है। तो अगर आप एक्टर बनना चाहते हैं, राइटर, डायरेक्टर, फिल्म मेकर, ये वीडियो आपको बहुत कुछ सिखा देगा। आपके घर बैठे आपके मोबाइल पर ही आप फिल्म इंडस्ट्री के बारे में एक इनडेप्थ नॉलेज ले लेते हैं। पूरे पत्ते बिखेरे जा रहे हैं, आर्ट डिपार्टमेंट का ये काम होता है, सेटिंग डिपार्टमेंट भी बोलते हैं उनको। तो जहाँ डायरेक्टर इकबाल बख्श एक एक चीज़ बता रहे हैं, फ्रेमिंग बता रहे हैं, वहाँ पे आर्टिस्ट उनको सुन रहे हैं, जो स्टंट मैन है वो सुन रहे हैं, और उसके साथ आर्ट डिपार्टमेंट अपना काम कर रहा है। वहीं से पत्ते इकट्ठे करके पूरे मैट्रेस के ऊपर डाले जा रहे हैं। ये क्रिएटिव डिस्कशन बोलते हैं। देखिए, यहाँ पर सारे जितने भी लोग हैं, कैमरा डिपार्टमेंट, डायरेक्शन डिपार्टमेंट, वो सब बैठ के देख रहे हैं, सुन रहे हैं एक एक चीज़ को, क्योंकि कोई भी शॉट जो होता है उसमें सभी डिपार्टमेंट के टेक्नीशियन, क्रिएटिव लोगों का इनपुट लगता है और सबका माइंड एक जैसा होना चाहिए। एक की सोच भी अगर अलग हुई तो शॉट बिगड़ जाएगा, वो शॉट हो ही नहीं पाएगा। अब देखिए, आपको बड़ा ही अच्छा लगेगा वो फिनिश शॉट देखने में। ये देखिए, ठीक वैसे ही दौड़ते हुए ये गिरे। अब यहाँ पर वो नीचे मैट्रेस है, गद्दा है, ये कैमरा ने उनको पूरी तरह से कवर किया, लेकिन उनको कैमरे में डायरेक्ट नहीं देखना है एक्टर को। ओके, कैमरा लुक रखना है, पोजीशन रखनी है, लेकिन कमांड सुनते हुए आपको सारे एक्शन रिएक्शन देने हैं। एक एक्टर को फिजिकली फिट भी होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि बहुत एनर्जी लगती है। अभी जैसे उनको बताया गया कि आपको एक पैर ऊपर उठाना है, बिल्कुल वैसे ही उन्होंने किया, क्योंकि वहाँ से बाद में स्पेशल इफेक्ट के लिए उसको अलग से ट्रीट किया जाएगा। एक बार फिर से शॉट लिया जा रहा है, क्योंकि वो शॉट में उतनी फ्रेमिंग परफेक्ट नहीं आ पाई थी। ये इस तरह से धुआं आपने कई फिल्मों में देखा होगा, खासतौर से हॉरर फिल्म में या रात के सीन में रखते हैं। इसको बोलते हैं लोबान। लोबान से धुआं बहुत अच्छा फैलता है और थोड़ा सा हैवी होता है तो ठहरता है ज़मीन पर,
और उसका जो फील और लुक आता है बहुत अच्छा आता है। तो इस तरह से उसको चारों तरफ घुमा दिया जाता है ताकि उसका एक फील आ जाए, उससे सीन बहुत अच्छा बिल्टअप होता है। जो शॉट लिया गया था उससे पहले का सुकेस सब शूट किया गया है। तो एक ही सुकेस जो आपको दिखता है दौड़ने का, भागने का, आने का, जाने का, उसको बहुत सारे छोटे छोटे शॉट्स में कवर किया जाता है। ये अब एक्टर को हार्नेस बांधी जा रही है ताकि रोप लगा के जो स्पेशल इफेक्ट के लिए उनको ट्रीट करना है। देखिए ये रोप लगी हुई है, ये पूरा खींचा जा रहा है। अभी देखिए कैमरा भी फॉलो कर रहा है, तो सेफ्टी भी है, ट्रीटमेंट भी है, एक एक चीज़ का ध्यान रखना पड़ता है कि प्रॉपरली एक शॉट पूरा हो पाए। ये आप पहली बार एक्सपीरियंस कर पा रहे होंगे कि एक एक्टर को कितनी मुश्किलों से गुजरना पड़ता है। एक्ट्रेस के पूरे बाल धूल में, पत्तों में हो चुके हैं, लेकिन जो शॉट देना है उसके लिए मेहनत तो करनी ही पड़ेगी। आपने इससे पहले भी ऑन लोकेशन वीडियोस बहुत सारे देखे हैं, उसके बाद ये एक और सीक्वेंस में वीडियो है। इन वीडियोस को लगातार देखने के लिए और फिल्म इंडस्ट्री में एंट्री के लिए जो भी आप सीखना चाहते हैं उसके लिए जॉइन होम्स यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कीजिएगा। ये जिमीजिप है, जिमीजिप को ट्रैक ट्रॉली पर लगाया गया है। तो देखिए उबड़ खाबड़ ज़मीन है, उसके बाद भी टेक्नीशियंस ने उसको बहुत अच्छे से फिट किया है ताकि उसमें स्मूथनेस रहे, जर्क ना आए। अभी जो उन्होंने पैर पहले ऊपर उठाया था उससे ही उनको ऊपर उठाया जा रहा है और उनको वो सारे रिएक्शंस देने हैं। एक्टर की मेहनत, टेक्नीशियन की जितने भी क्रिएटिविटी है उसके लिए एक लाइक तो ज़रूर बनता है। तो प्लीज़ लाइक ज़रूर कीजिएगा और ये ज़रूर बताइएगा कि फ़िल्म इंडस्ट्री के जब लोगों को आप मेहनत करते हुए देखते हैं तो आपका जो पैशन है फ़िल्म इंडस्ट्री में काम करने का वो बढ़ता है या थोड़ा सा डर लगता है। अब देखिए वो कमांड भी सुन रही हैं पूरा। हॉरर फिल्म में अक्सर इस तरह की शॉट्स बहुत सारे होते हैं, हवा में उड़ना, हवा में लहराना। अब जहां पोजीशन रखनी है ताकि जो सेकंड करेक्टर है उनका भी फेस प्रॉपर दिख पाए उसके हिसाब से ब्लॉकिंग की जा रही है। देखिए फेस की पोजीशन यहाँ पर ली जा रही है। तो जब आप पैरों की मार्किंग करते हैं वो तो अलग बात है, लेकिन जब आप उल्टे लटके हों तब मार्किंग करना बड़ा ही मुश्किल काम है। वीडियो अगर आपको अच्छा लगा है तो उसको लोगों के साथ ज़रूर शेयर कीजिएगा ताकि इस तरह की जो एक हिडन सीक्रेट है फिल्म इंडस्ट्री का प्रॉपर वे में सब लोग जान पाएँ और इस फिल्म इंडस्ट्री की सीरियसनेस को, सभी लोगों की मेहनत को सब लोग स्वीकारें, उसको एक्सेप्ट करें, ये बहुत ज़रूरी है। आपको ये वीडियो कैसा लगा ज़रूर बताइएगा मुझे कमेंट करके, और किस तरह के वीडियो आप देखना चाहते हैं वो भी ज़रूर बताइएगा। थैंक यू। Good.